स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेरेन्काइमा या मृदुतक सरल ऊतक की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और हमने जाना था टिश्यू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और जब हम परमानेंट टिश्यू की बात किए थे तो वहां पर भी हमने जाना था कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू और तीसरा स्पेशल टाइप परमानेंट टिश्यू। इसके बाद हमारी बात चली थी कि सरल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, उन पर बात चली थी। और हमने बताया था कि ऐसे स्थायी ऊतक जिनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। और इन्हीं सरल स्थायी ऊतकों में आज हम बात करने वाले हैं पेरेन्काइमा या मृदुतक सरल ऊतक की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेरेन्काइमा या मृदुतक सरल ऊतक क्या है, फिर हम जानेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कितने इसके प्रकार या मॉडिफिकेशन होते हैं और फिर साथ में हम जानेंगे कि इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेरेन्काइमा के बारे में कि ये क्या है और क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू सबसे प्राचीनतम जो ऊतक होता है वह पेरेन्काइमा होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उनका जो निर्माण है वह इस टिश्यू के माध्यम से होता है, इस टिश्यू के द्वारा होता है। इस कारण से इसको क्या कहा गया है, मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू कहा गया है। साथ ही चूंकि सारे टिश्यू इससे बन रहे हैं, इस कारण से ये फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है या आधारभूत ऊतक कहलाता है। दूसरी एक और बात देखें, इसे अन्य ऊतकों का पूर्ववर्ती ऊतक माना जाता है, प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू माना जाता है, क्योंकि सारे ऊतक की उत्पत्ति इसके द्वारा होती है। अब सवाल यह है कि इसका नाम कैसे बना, मृदुतक, मृदुतक मतलब सॉफ्ट, तो पौधों के सॉफ्ट पार्ट्स में, कोमल भागों में पाए जाने वाला जो ऊतक होता है वह ऊतक पेरेन्काइमा होता है। देखिए, यहां सर्वाधिक पाए जाने वाला ऊतक है, ये सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है जो खास करके पौधों के कोमल तथा मुलायम भागों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पत्तियां, फ्रूट, पल्प या जो अदर ऑर्गन्स जो सॉफ्ट होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो पेरेन्काइमा की जो ओरिजन है ये ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यू के द्वारा होती है, भरण विद्युतक ऊतक के द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि पेरेन्काइमा की परिभाषा को देखते हैं। ये ऐसा सरल स्थायी ऊतक, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा सरल स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली तथा समव्यासी होती है, आइसोहेड्रल होती है, मृदुतक ऊतक कहलाती है। तो दो बातें समझ में आई कि ऐसा सरल स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली तथा आइसोहेड्रल होती है, समव्यासी होती है, मृदुतक कोशिकाएं कहलाती है। देखिए, जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है, क्लासिफिकेशन का आधार होता है सेल वॉल, ठीक है ना, भित्ति कैसी होती, मोटी होती है या पतली होती है। और उस आधार पर जब हम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ऐसा सरल स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, थिन वॉल होती है तथा समव्यासी होती है, आइसोहेड्रल होती है, मृदुतक ऊतक कहलाता है। चलिए जरा देखें, अब हम इसकी विशेषताओं पर आते हैं। और जब हम विशेषताओं की तरफ जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ऐसे ऊतक की जो कोशिकाएं हैं जीवित होते हैं, पतली भित्ति वाली होती है। और साथ पहला कैरेक्टर आपको समझ में आ गया, हाँ ये कैसी है, ये जीवित होती है और साथ ही पतली भित्ति वाली होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसी के साथ जुड़ी हुई है कि इस प्रकार की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, इस प्रकार की
जो ऊतक की जो कोशिकाएं हैं समव्यासी है, आइसोहेड्रल है, ये गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, बहुभुजीय हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के ऊतक की जो कोशिकाएं हैं कैसी हो सकती है, समव्यासी हो सकती है, एक ही व्यास की हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है या बहुभुजीय हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये कोशिकाएं परस्पर सटी हो सकती है, यहां पर आप सटी हुई नहीं देख रहे हैं कि ये कोशिकाएं कैसी हो सकती है, परस्पर सटी हो सकती है या इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, अंतर कोशिकी अवकाश जो है वो पाया जाता है। चलिए अब यहां पर देखिए ये वाले पॉइंट को जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनमें पाए जाने वाले, इन सेल्स के अंदर पाए जाने वाली जो रिक्तिकाएं हैं ये छोटी तथा संख्या में कम होती है। अब देखिए छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं, ठीक है, रिक्तिकाएं कैसी है, छोटी छोटी है, लेकिन जब ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं आपस में जुड़ जाती है तो एक लार्ज वैक्यूम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि पेरेन्काइमा में पाया जाने वाला जो वैक्यूल्स होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और ये बड़ा कैसे हो रहा है कि छोटी छोटी वैक्यूल्स जो है आपस में जुड़ गई और लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, इन कोशिकाओं में मृदुतक कोशिकाओं में रूपांतरण के फलस्वरूप द्वितीयक वृक्षोत्तक बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि इनमें द्वितीय मृदुतक कोशिकाओं में इस प्रकार की जो टिश्यू है उनकी कोशिकाओं में रूपांतरण के फलस्वरूप सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाने की इनमें क्षमता पाई है। तो आपने देखा कि पेरेन्काइमा क्या है, उसकी ओरिजिन कैसी होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, साथ ही उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा या इसे हम टाइप्स भी कहते हैं, अलग अलग वातावरण में अलग अलग जगह पर पाए जाने के कारण पेरेन्काइमा अलग अलग प्रकार की हो जाती है। इनमें सबसे फास्ट है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा से तात्पर्य क्या है कि ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा हो गई जिसके कारण वहां हरे रंग की दिखाई देती है, क्लोरेन्काइमा कहलाते। देखिए मैंने क्या लिखा है कि ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है तथा हरे रंग की दिखाई देती है, क्लोरेन्काइमा कहलाती है। अब हरे रंग की है तो सीधी सी बात है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, सीधी सी बात है कि ये क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी, पत्तियों में पाई जाएगी और पत्तियों में जब पाई जाएगी मेसोफिल कोशिकाओं में पाई जाएगी, तब ऐसी अवस्था में ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी, भोज्य पदार्थ निर्माण का कार्य करेगी। कहां पाई जा रही है, पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाई जाती, तरुण तने में पाई जा रही है तथा कुछ शाखाओं में पाई जाती जो हरे रंग की। अब यहां पर डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर हरे रंग की जो है वो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और जिसके कारण से ये हरे रंग की हो गई है और साथ ही इनके बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। ये डायग्राम जो हमने बनाया हुआ है ये स्पंजी पेरेन्काइमा का। चलिए आगे देखते हैं, एरेन्काइमा या वायुतक जिसे कहते हैं, दूसरा प्रकार क्या है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब जिसमें एयर स्पेस, ध्यान रखिएगा क्या हो, एयर स्पेस हो। तो ऐसी पेरेन्काइमा जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस अंतर कोशिकीय अवकाश काफी बड़े बड़े होकर एयर चेंबर बना लेते हैं, तब इस प्रकार की पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ याद नहीं मत रखिए, केवल इतना याद रखिए कि एरेन्काइमा या वायुतक ऐसे मृदुतक ऊतक है जिनमें एयर स्पेस पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है जिसके कारण से एयर चेंबर बन जाते हैं। ठीक है, और ये किस कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जलीय पौधों में, मुख्य रूप से जलीय पौधों में। अब जलीय पौधों में पाए जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि जलीय पौधे तो फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो तैरने में मदद कौन कर रहा है, ये ही एयर चेंबर। एयर चेंबर के अंदर क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है जिससे कि ये आसानी के साथ तैर सके। ठीक है, तैरने और श्वसन में ये सहायता करते हैं। दूसरी बात, यहां पत्तियों की मेसोफिल का स्पंजी ऊतक भी इसका उदाहरण, ये वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया है स्पंजी पेरेन्काइमा, यह क्लोरेन्काइमा के साथ साथ एरेन्काइमा का भी एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा है प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा या जिसको हम दीर्घ ऊतक बोलते हैं, ऐसे मृदुतक ऊतक जिसकी चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक हो, जिसकी चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक हो, ऐसे
पेरेन्काइमा प्रोजेन्काइमा कहलाते हैं, दीर्घ ऊतक कहलाते हैं। चौथा प्रकार देखिए, चौथा है सैटेलाइट प्रोजेन्काइमा। सैटेलाइट प्रोजेन्काइमा ऐसे मृदुतक होता जिसमें, या इसको दूसरे तरीके से देखें कि यहां एरेन्काइमा के समान होती है, ठीक है, एरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेस पाया जाता है, परंतु कोशिकाएं तारे के आकार की होती है, ठीक है, एरेन्काइमा मतलब जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाएगी, लेकिन उनकी कोशिकाएं जब कैसे जाए तारे के आकार की हो जाए, सैटेलाइट के आकार की हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट प्रोजेन्काइमा कहते हैं। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है, केले की पत्ती के व्रंत में मिलता है, और साथ ही जो जलीय पौधे होंगे उनमें इस प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। चलिए एक और बात कर ले, पहली से एक इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा मृदुतक ऊतक जिसकी कोशिकाएं लंबी होकर एपिडर्मिस के नीचे एकत्रित हो जाती है, ठीक है, कि ऐसे पेरेन्काइमा ऊतक, ऐसा मृदुतक ऊतक जिसकी कोशिकाएं लंबी होकर एपिडर्मिस के नीचे एकत्रित हो जाती है तथा जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, खम ऊतक या पेरिसेट टिश्यू, ठीक है, पेरिसेट टिश्यू बहुत कंफ्यूजन रहता है, यहां पर आप बिल्कुल समझ जाइए कि एक प्रकार का क्या है, पेरेन्काइमा है, और पेरेन्काइमा कैसा है, जब इसकी कोशिकाएं कैसी हो गई, लंबे आकार की हो गई, और लंबे आकार से होकर कहां एपिडर्मिस के नीचे स्थित हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार की जो टिश्यू है वो पेरिसेट टिश्यू कहला रहा। चलिए अंतिम देखते हैं, स्टोरेज प्रोजेन्काइमा। स्टोरेज पेरेन्काइमा, स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, स्टोर करने वाला, ठीक है, स्टोर करने वाला, तो स्टोरेज पेरेन्काइमा से तात्पर्य क्या है, कि ऐसे पेरेन्काइमा, ऐसे मृदुतक ऊतक जिसकी कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को संग्रहित करती है, संग्रहण करती है, ऐसे जो सेल्स है, ऐसे पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज पेरेन्काइमा कहलाती है। चलिए अब हम इनके कार्य देखते हैं। देखिए जब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स में आपने कौन कौन से पढ़ा, क्लोरेन्काइमा क्या काम कर रही है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, एरेन्काइमा क्या काम कर रही है, स्विमिंग और रिस्पायरेशन में मदद कर रही है, प्रोजेन्काइमा क्या कर, प्रोजेन्काइमा सैटेलाइट प्रोजेन्काइमा, पेरिसेट टिश्यू और स्टोरेज पेरेन्काइमा के भी काम हमने देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल में हम समझते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं, वैसे काम तो हमने घड़ी देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन देखिए, भोज्य पदार्थों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। आपको मालूम है कि जो क्लोरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा में क्या पाया जा रहा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी तो भोज्य पदार्थों का निर्माण होगा, और इसी के कारण तो पौधे भाई सोकोसी कहलाते। दूसरा, जलीय पौधों में जैसे कि क्लोरेन्काइमा पाया जाता है, और वहां ये किस काम में मदद करता है, तैरने और श्वसन में सहायता करता है। इसके अलावा ये मृदुतक ऊतक जो है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के जो लिपिड्स है, फैट्स है, ऑयल ड्रॉप्स है, या अन्य फूड मटेरियल है, उनको स्टोरेज करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जो टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं, स्पेशली टेरिस्ट्रियल प्लांट में हम किसकी बात करते हैं, डिजर्ट प्लांट की, मरुस्थली पौधों की, और मरुस्थली पौधों में ये वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेरिसेट टिश्यू हमने देखा, और पेरिसेट टिश्यू इसमें ये क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पेरेन्काइमा है वो जलीय पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, उनको सपोर्ट करने का कार्य करती है, उनको स्थिर रहने में सहायता प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य जो पेरेन्काइमा का है वो ये है कि इसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और विभाजन की क्षमता पाए जाने के कारण यहाँ पौधों को अगर चोट लग जाए तो उन चोट के घाव को भरने में और सेकेंडरी ग्रोथ में ये सहायता करती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि चूंकि इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, अतः यह घाव भरने एवं द्वितीयक वृद्धि में सहायता करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा पेरेन्काइमा को, यहाँ जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, यह क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, साथ ही आपने जाना कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन पाया जाता है, ये कितने प्रकार की होती है, और इसके क्या कार्य होते हैं। उम्मीद करूंगा कि पेरेन्काइमा को, मृदुतक ऊतक को समझने में यह वीडियो आपकी सहायता करेगा। अगर आपकी सहायता करेगा
तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टिश्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।